इसलिए दर्पण के बारे में हमें आपको जानकारी, वो उसको कहते हैं, हम लोग जानते सब है, लेकिन है वो दर्पण। क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण आपका है। तो परावर्तन की घटना किसमें होती थी? दर्पण में। अब जो अपवर्तन की घटना है इसकी, तो परावर्तन में हमने समतल, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों चीजों के बारे में बताया, किस किस तरीके से उनके सामने वस्तु रखी, कब वास्तविक, कब आभासी, कैसे चित्र बनता है, सारी चीजें हमने बता दिया आपको। अब बात आती है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन की बात है, तो अपवर्तन का मतलब क्या है? अपवर्तन का मतलब है प्रकाश का मुड़ना। क्या है? मुड़ना, कि सीधा जा रहा हो, किसी कारण वो मुड़ गया। क्या हो गया? मुड़ गया। अब किस कारण मुड़ा, क्या चीज है, ये सब उसी में बताया जाए। लेकिन ये जो मुड़ने का काम होता है, जिसके कारण होता है, उसको क्या कहते हैं, या ये घटना जहां होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो भाई ये घटना जो होती है अपवर्तन की घटना लेंस में होती है। किसमें होती है? लेंस। तो अब बात आती है कि लेंस क्या है। तो पारदर्शी जो माध्यम है वो लेंस होता है। ठीक है, कोई पारदर्शी जो माध्यम है वो लेंस है। देखा जैसे हम लोग शीशा का आते हैं, ठीक है, कांच जो है आपका क्या है? पारदर्शी माध्यम है। कांच है आपके, प्लास्टिक है, अच्छी जो प्लास्टिक के आप लोग देखते हैं, जो चश्मे होते हैं वो आपका लेंस होता है, और चश्मा प्लास्टिक के भी चश्मे होते हैं, ग्लास जो बने होते हैं वो शीशे के ग्लास के ही नहीं होते, प्लास्टिक के भी होते हैं जो जल्दी नहीं टूटते, लेकिन उनमें भी आर पार दिखाई देता है। तो यानी लेंस क्या है? जिसमें आर पार दिखाई दे वो लेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? हम लोग लेंस कहते हैं, या लेंस में ही आर पार दिखाई देता है, और लेंस में ही ये घटना मुड़ने की होती है। लेंस की घटना, मुड़ने की घटना किस में होती है? लेंस में होती है। तो अब हमारे पास जिस तरीके से दर्पण थे उसी तरह लेंस है। तो अब लेंस भी दो तरीके के हैं, आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, अब अगर ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो किनारे में पतला है और बीच में मोटा, तो ये हो गया आपका उत्तल। और अगर किनारे मोटा है और बीच में पतला है, तो ये हो गया अवतल लेंस। ठीक, इन्हीं में घटना आपकी अपवर्तन की होती। तो सबसे पहले तो हम जान गए कि अपवर्तन की घटना लेंस में होती है। ठीक है, और लेंस दो होते हैं आपके, उत्तल और अवतल। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे तो इनके भी और भाग हैं। ठीक है, अवतलोत्तल, समतलोत्तल, उत्तलोत्तल, ये सब जो हैं वो आगे आते हैं। ठीक है, लेकिन सीधी उत्तल की अगर बात करता तो किनारे में पतला होगा और बीच में मोटा होगा, और अवतल की बात करता है तो किनारे में मोटा और बीच में पतला होता है। ठीक है, तो अब आपका अपवर्तन की घटना है क्या? परावर्तन की घटना जिस तरह की थी, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके नियम थे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये आपके दो नियम थे परावर्तन। इसी तरह अपवर्तन के नियम, तो सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो अपवर्तन की परिभाषा हो गई, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी जगह, ध्यान रखना, एक समांगी भी कभी कभी हो सकता है, सब
एक समांगी माध्यम। अब देखिए, हमने अभी बताया था कि हम जो भी शब्द आ जाता है विज्ञान में, या विज्ञान में कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हम रोज रोज नहीं इस्तेमाल करते, तो उस शब्द का हम माने समझे। समांगी का मतलब शब्द और किसी भी चीज का जो अर्थ होता है वो उसका सीधा सीधा मतलब होता है, उसको जरा कहिए और फिर अपने आप। जैसे सम माने क्या होता है, बराबर, अवंग माने समांगी, तो कोनो माध्यम हुई तो क्या समांगी से मतलब उसके अंग क्या हो सकते हैं, यानी सब जगह बराबर। कहने का मतलब कि एक कांच का गुटका है, ठीक है, तो कहूँ ज्यादा कठोर है और कहीं कम कठोर है, या कहीं उसके माध्यम के कण पास पास ज्यादा है और कहीं दूर दूर है, तो ये समांगी नहीं। पूरा टुकड़ा जो है वो सब में बराबर बराबर माध्यम के कण हो, यानी एक है जैसा, चाहे कठोर हो चाहे, ठीक है, तो उसको समांगी कहते हैं। जैसे विलयन में समांगी विलयन का मतलब, जैसे आप समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए शरबत है, अब अगर घोर दी जाए पूरा शरबत बाल्टी भर एक जगह, चाहे ऊपर से गिलास भरो चाहे नीचे से डुबो के लिए, बराबर मीठ सब जगह हो, तब तो वो समांगी है, सब जगह एक जैसे है, ठीक। और अगर पता लगा ऊपर से बोरोगा तो कम मीठा है, नीचे से बोरा गया तो ज्यादा मीठा, इसका मतलब ये समांगी नहीं है, कहीं कम है कहीं मिठास ज्यादा है, तो ये समांगी और असमांगी है, विसमांगी का मतलब है। तो अगर ऐसा कहने का, जब प्रकाश की किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित या मुड़ जाती, दोनों एक ही शब्द है, मुड़ जाती है, मुड़ने की या विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते, ठीक। तो ये आपका प्रकाश का अपवर्तन है। आप देखिए मुड़ने की घटना है, तो ऐसा नहीं कि जहां के मन ही उड़ते मुड़ जाइए, ऐसा कुछ नहीं, उसके भी कुछ नियम होते हैं, उसके भी जैसे हमें तो चलने का नियम है कि हम लोग अपने रोड में बाएं तरफ चले, ठीक, दूसरी तरफ नहीं जाते हैं, या ऐसे कोई नहीं है तो भले चले जाए, लेकिन अगर किसी दूसरे को देखते हैं तो हम तुरंत अपनी साइड में आ जाते हैं, और अगर वो इस तरफ आकर के कोई हमारी गाड़ी में टक्कर मारता है या हमारे सामने आता है तो हम कहते हैं कहा शायद दिखा तो नहीं, कहा अपनी साइड में जाओ। ऐसे इनका भी नियम है, ऐसा नहीं कि किरणें जो चल रही जहाँ मन ही उनसे घूम जाए, ऐसा नहीं, तो उसी को हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं, जो जिस तरीके से इनके मुड़ने का जो सिस्टम है उसी को कहा जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन के नियम कहते हैं। तो ये प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा है। फिर अपवर्तन के नियम नंबर एक, अभिलंब तीनों
एक ही तल पर होते हैं और नंबर के क्या आसन कोण की अपवर्तन कोण की ज्यादा